ये तो आपको पहले बता ही चुका था कि स्कल्पचर में तीन बेसिक टेक्निक्स हैं। एक तो आपका है कार्विंग, एक आपका मॉडलिंग, दूसरा असेंबलेज। ठीक है, तो मॉडलिंग के बारे में लास्ट सेमेस्टर बताया था, ठीक है, क्ले के बारे में, वैक्स के बारे में, हाँ, और कार्विंग, वुड कार्विंग बताया था, अभी स्टोन कार्विंग बताते हैं। स्टोन कार्विंग यह एक्चुअली एंशियंट टाइम से और यह प्रचलित है, और इसमें जो हम स्कल्पचर बनाते हैं वो परमानेंट होता है। तो ये एक क्लासिकल मीडियम ऑफ स्कल्पचर है, ठीक है। मेटल, वुड और स्टोन, इन तीनों को क्या है ना, क्लासिकल मीडियम ऑफ स्कल्पचर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें होती हैं वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोन कार्विंग, स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्टोन का बेसिकली तीन प्रकार हैं। इग्नियस, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। ठीक है, सो इग्नियस पत्थर वो होते हैं, जैसे कि पहले हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारी पर ज्वालामुखी बहुत हुआ करते थे, और ज्वालामुखी फटते थे तो ज्वालामुखी के लावा से जो भी हमारे पत्थर बने, जो ज्वालामुखी के लावा जमने से जो पत्थर बने, वो पत्थर हमारे इग्नियस पत्थर कहलाते हैं। ठीक है, ओके। तो इनमें दो प्रकार के होते हैं, बसाल्ट, ग्रेनाइट। ठीक है, सेडिमेंट्री पत्थर वो होता है, सेडिमेंट्री स्टोन बेसिकली ये नदी के कटाव से बनता है। ठीक है, नदी में सेंड होता है, रेत होता है, तो रेत क्या है ना कि लेयर बाय लेयर, जैसे फॉर एग्जांपल है कि जैसे ये नदी है, हाँ, नदी कुछ ऐसी होती है ना, ओके तो इधर से पानी गया, इसमें पानी का फोर्स ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाएगा पानी फोर्स, तो यहां पर टक्कर लगती है, तो क्या होता है, नदी का एक कटाव होता है। ठीक है, और इधर क्या होता है कि रेत इधर जमा हो जाता है, ओके। तो यहां रेत लेयर बाय लेयर जमा होता रहता है, और वो नीचे फिर उत्तर मतलब दब जाता है, तो उससे ये सारे रेत के कणे फ्यूज हो जाते हैं, इससे जिस पत्थर का निर्माण होता है उसे कहते हैं सेडिमेंट्री स्टोन या सैंड स्टोन। ठीक है, फाइन। हाँ, कहा जाता है कि जैसे दयाल बाग में जो राधा स्वामी का जो समाधि है, इसके बगल से यमुना नदी बहती थी जब ये डिजाइन किया गया था, लेकिन नदी कटाव से अभी वो कई किलोमीटर आगे यमुना नदी पहुंच गई है ना। ठीक है, फाइन। तो जो नदी का जो बालू है वो जमा होता रहेगा लेयर बाय लेयर, और वो समय और दबाव से वो फ्यूज हो जाते हैं, और इससे जो पत्थर का निर्माण होता है दैट्स कॉल्ड सेडिमेंट्री स्टोन। ठीक है, तो सेडिमेंट्री स्टोन में आपके जो ये इसमें रेत के कण ये दानेदार होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है हमारा मेटामॉर्फिक होता है, मेटामॉर्फिक स्टोन होता है जब हमारा सेडिमेंट स्टोन ही अब बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के उथल पुथल में, जब वो जैसे सेडिमेंट स्टोन वॉल्केनो की लावा के दब गया, या फिर पृथ्वी का उथल पुथल हुआ तो उसमें नीचे चला गया, तो हीट एंड प्रोसेस में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, तो इससे क्या है ना कि इसमें और फाइन क्वालिटी हो जाती है, कलर्स आ जाते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक स्टोन कहलाते हैं। तो हम नंबर बाय नंबर बताएंगे, पहले इग्नीशियल रॉक, इग्नियस ये रॉक होता है हमारा, बेसिकली वॉल्केनो का जो लावा होता है, पुराने जमाने में प्राइम टाइम पर जब पृथ्वी फॉर्मुलेट ही हुई थी, तो बहुत बड़ी संख्या में कई बार लावा
वोल्केनोज हुआ करते थे यहाँ पर धरती पर, तो लावा जो निकलता था वो जम जाता था, उससे जो पत्थर का निर्माण हुआ दैट इज इग्नियस रॉक। ठीक है, ये हिंदी में अग्नेय पत्थर बोलते हैं। इसमें बसाल्ट और ग्रेनाइट, बसाल्ट एक्चुअली के काफी हार्ड होता है ये, इसमें कार्विंग्स यूज कार्विंग नहीं की जाती है। ठीक है, फिर भी अगर हम इतिहास में जाएं तो आपके महाबलीपुरम के जो स्कल्पचर है वो बसाल्ट पत्थर बनाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि तो वहां का जो राजा था महेंद्र वर्मन, जिसको विचित्र चित्त कहा गया था, वो क्या है ना, विचित्र चित्त का मतलब वो थोड़ा सा साइकी था, तो उसका सनकी था, तानाशाह था, उसने कहा कि नहीं इसी मनाओ, तो कार्वस ने उसमें काम करने का प्रयास किया है, बड़े बड़े स्कल्पचर बनाए, लेकिन उन्हें क्या ना डेप्थ नहीं दे पाए हैं वो लोग, क्योंकि दैट स्टोन वाज वेरी डिफिकल्ट टू कार्व। तो बसाल्ट का उपयोग नॉर्मली कार्विंग के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, ग्रेनाइट इज गुड, ग्रेनाइट काफी मजबूत होता है, हार्ड होता है। ठीक है, फाइन, ग्रेनाइट काफी मजबूत होता है, हार्ड होता है। और ग्रेनाइट में आपकी अगर साइट्स की बात करें तो आपका देखिए जैसे अजंता एलोरा है, एलिफेंटा है, बादामी है, ये सब सारे जो साइट्स हैं इनमें ग्रेनाइट के पत्थर में ही काम हुआ है। ठीक है, हाँ, एलोरा का जो कैलाश टेम्पल, एलोरा की जितनी गुफाओं के जो स्कल्पचर्स हैं ग्रेनाइट बने हैं, और आपका इधर अजंता में, ठीक है, बादामी, एलिफेंटा, एलिफेंटा बॉम्बे के पास है, एहोले है। ठीक है, तो जितने भी रॉक का टाकेट थे मोस्टली वो ग्रेनाइट में ही हुए। ठीक है, तो ग्रेनाइट इज गुड फॉर कार्विंग। हाँ, और ग्रेनाइट में कार्विंग करने की थोड़ी सी प्रक्रिया थोड़ी अलग, इसकी चीजें थोड़ी अलग होगी, जब हम टूल्स की बात करेंगे तो हम ग्रेनाइट के चीजें की टाइप की हम बात करेंगे। अभी हम सेडिमेंट्री पे जाते हैं। सेडिमेंट्री बेसिकली मैंने बताया नदी कटाव से जो हमारा सेंड जमा हो जाता है, और सेंड जब लेयर लेयर बाई लेयर जमा होता है और वो आपस में फ्यूज कर जाता है, उससे जो पत्थर का निर्माण होता है वो कहलाता है हमारा सेडिमेंट्री स्टोन। ठीक है, इसमें जो प्रकार होते हैं आपके, या इसको हम सैंडस्टोन बोलते हैं, सैंडस्टोन। ठीक है, फाइन, इसमें आपके जो प्रकार होते हैं वो आपका एक तो हमारा रेड सैंडस्टोन, ये बेसिकली हमारे आगरा रीजन में पाया जाता है, आगरा टू मथुरा। ठीक है, इसलिए यहां पर जितनी मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो लाल पत्थर में, जैसे लाल किला, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, क्योंकि ये जो एरिया यहां पर जो लाल सैंडस्टोन पाया जाता है, और कई बार लाल सैंडस्टोन में जो पीले पीली धारियां भी होती है, पीले धब्बे भी होते हैं ना। ठीक है, तो आगरा, करायवली, मथुरा, ठीक है, और आपका जो अमरावती और कुषाण स्कल्पचर है जो आपके मथुरा रीजन के हैं वो भी इसी सैंडस्टोन में है। ठीक है ना, सो रेड सैंडस्टोन, हमारा जो लाल किला है, ताजमहल में जो यूज हुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन हुआ है। ठीक है, और इसमें पीले रंग के धब्बे भी होते हैं, वो भी आप देख, घरों में जो भी हम पहले जो गाटर पत्थर के मकान में उसमें जो जो पट्टिया का इस्तेमाल किया जाता था पत्थर का, वो उसमें लाल पत्थर में पीले छींटे होते थे ना, और पीली वेन्स होती थी ना, पीली छींटे के रूप में दिखाई देती थी। ठीक है, तो ये हमारा इस एरिया में ये पाया जाता है। दूसरा है हमारा फेमस सैंडस्टोन, वो आपका है धौलपुर सैंडस्टोन। ठीक है, ठीक है, सैंडस्टोन, धौलपुर सैंडस्टोन, ये ग्वालियर की माइंस में, ग्वालियर के पास जो माइंस है वहां से पाया जाता है। यह बादामी रंग का होता है। ठीक है, और यह कार्विंग के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लेन होता है, कोई भी इसमें छिटे नहीं होते, तो धौलपुर सैंडस्टोन का कार्विंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छा है। इवन हमारे यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी में एक बार वर्कशॉप कैंप हुआ था। ठीक है, तो जो पीले टाइप के जो स्कल्पचर्स है पत्थर के, वो
वो दहलपुर सैंडस्टोन में बनाए गए हैं, ठीक है। और सैंडस्टोन में खासियत ये होती है कि यह सैंड से फ्यूज होने से बना होता है, तो ये चीजल को बहुत जल्दी काटता है, इसमें काम करते हैं तो चीजल बहुत जल्दी खा जाता है, टूल्स को जल्दी खाता है, क्योंकि तो सैंड तो वो मेटल को घिसती है, ठीक है ना। तीसरा आपका होता है आपका मिंट, मिंट ये भी ग्वालियर माइन से प्राप्त होता है, ये हमारा ग्रे कलर का होता है, ठीक है। ग्रे या इसमें कलर नहीं होता, ग्रे हल्का वाला डल डल वाइट टाइप का ग्रे टाइप का होता है, और मिंट इसका भी कार्विंग में यूज होते हैं। चौथा आपका चुनार सैंडस्टोन भी बहुत फेमस है, ये आपका इधर पाया जाता है बनारस साइड में, चुनार। सैंडस्टोन है ठीक है, चुनार सैंडस्टोन ये लाल हल्का लाल रंग का ही होता है, ठीक है। लाल एग्जैक्ट में थोड़ा ऐसा रहता है, लाल पीला गेरुआ टाइप का रहता है, ठीक है, कत्थई टाइप का कलर होता है। और सारनाथ के जितने भी स्कल्पचर्स है, सारनाथ वो चुनार सैंडस्टोन में ही है, ठीक है, फाइन, क्योंकि ये सारनाथ तो वहीं उसी साइट पे है ना, तो जहां जिस पत्थर की अवेलेबिलिटी थी उसके हिसाब से इतिहास में वहां पर काम हुआ, ठीक है। तो ये बनारस के पास सारनाथ के पास पाया जाता है, वहीं पर इसकी माइन है। सारनाथ के जितने भी स्कल्पचर्स हैं, जो सारनाथ कैपिटल है अशोक का जो, हाँ, या मौर्यन काल के जितने भी स्कल्पचर्स हैं वो चुनार सैंडस्टोन में हुए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेटामॉर्फिक पे, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर, मेटामॉर्फिक थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा, चलो अब देखते हैं, तो हम हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। मेटामॉर्फिक मैंने बताया था कि जो सैंडस्टोन है वो नदी के कटाव से जो पत्थर हमारा बनता है, सैंडस्टोन बनता है, वो क्या है ना, लंबे समय तक हीट एंड प्रेशर की वजह से उसमें क्या केमिकल चेंजेस आ जाते हैं और फाइन हो जाता है, तो इसको हम मेटा संरचनात्मक स्टोन बोलते हैं, ठीक है। इसके जो कई प्रकार होते हैं, ठीक है, एक तो हमारा होता है स्लेट स्टोन, स्लेट स्टोन, दूसरा सोप स्टोन, तीसरा आपका होता है मार्बल, चौथा होता है आपका अल्बस्टर, ठीक है। तो स्लेट स्टोन क्या होता है कि आपने, आप लोग तो अभी नए जमाने को, आप लोगों ने स्लेट देखी है, स्लेट एक पत्थर से बनती है जो, ठीक है, और वो पत्थर जो है ये लेयर में पाया जाता है, ठीक है, लेयर्स में होता, तो लेयर्स को खाड़ के उनकी स्लेट बनाई जाती थी पहले। आजकल तो सब कॉपी पेन का इस्तेमाल सब बच्चे करते हैं, स्लेट काफी बच्चे जानते भी नहीं, आप लोग सब यूज किए होंगे, ठीक है। तो स्लेट जो बनती थी, तो ये बेसिकली ब्लैक कलर का होता है, और ये लेयर्स में होने वजह इसका कार्विंग में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये लेयर्स में होता है, तो कुछ भी काम करेंगे तो ये लेयर्स में देखा जाएगा, सो इट इज नॉट यूज्ड फॉर स्कल्पचर इन जनरल। दूसरा होता है आपका सोप स्टोन, आप लोग जो टेलकम पाउडर यूज करते हो ना, टेलकम पाउडर जो होता है ना, अरे गर्मियों में जो घमोरियों के लिए यूज करते हैं पाउडर ना, टेलकम पाउडर, वो इससे बनता है, सोप स्टोन से, सेलम बोलते हैं, वो देसी इसका नाम सेलम, ठीक है।
और जितने भी गोकुल पुराण में जो इम्पोरियम का है, आगरा में जो भी इम्पोरियम का वर्क होता है, पच्चीकारी काम इसी में किया जाता है। ये मतलब सोप जैसा चिकना होता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली अलग अलग क्वालिटीज भी होती है। आगरा में क्योंकि मैं आगरा का हूँ तो मुझे इसका थोड़ा सा वैरायटी पता है। इसमें दो क्वालिटीज मैं जानता हूँ पर्सनली, जो शायद आपको किसी किताब में नहीं, गुरेरा और दूसरा था पलेवा होता है। ये बहुत ही टेक्निकल नेम है जो कि आप कारीगर लोगों से बात करोगे तो पता। गुरेरा एक्चुअली ये क्या है ना कि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वाइट होता है। पलेवा थोड़ा सा ग्रीनिश और थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा हार्ड होता है, तो उसमें अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। तीसरा आपका है, तो इसमें आप कार्विंग कर सकते हो, काफी सॉफ्ट होता है। शुरुआत में मैंने कार्विंग इसी में करी थी, सोप स्टोन में। बल्कि ये अपना क्या नाम है, ये दिनेश लेके भी आया टुकड़ा, वो भी सोप स्टोन था जो, देखो सर उसमें भी ढंग से कार्विंग नहीं करी, ठीक है। फाइन, ये सॉफ्ट मतलब स्मूथ, इसका पाउडर बन के फ्रेंच ऑक पाउडर इसी से बनता है। जो तो फाइबर में यूज करती हो ना, फ्रेंच ऑक पाउडर इसी से बनता है, ठीक है। फ्रेंच ऑक पाउडर को ही मैं ही को और फाइन करके और वैक्टिफी कर उसमें परफ्यूम वगैरह डाल के वो टेलकम पाउडर बना देती है, ठीक है। फाइन, ये नॉर्मली मार्केट में आपको 10-15 रुपये किलो मिल जाएगा, थोक में लोगे तो 5-6 रुपये किलो मिल जाएगा, बड़े इसके 50 किलो बैग आता है, ठीक है ना। और ये हम रेजिन कास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फाइबर कास्टिंग में, ठीक है। फसले बनाते हैं, इसी लग बनाते हैं मार्बल, मार्बल एक्चुअली क्या है ना कि ये बहुत ही वाइडली इस्तेमाल करने वाला पत्थर है स्कल्पचर में, ठीक है। और जब हमारा ये सेडिमेंट्री स्टोन ही लंबे समय तक हीट और प्रेशर में रहता है तो उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते, तो ये जो मार्बल जो वेरिएंट बनता है मेटामॉर्फिक स्टोन का, ये इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये अलग अलग रंगों में पाया जाता है। इवन जो जैसे ताजमहल, लाल किले में जो पच्चीकारी वर्क, उसमें जो अलग अलग प्रकार के पत्थर, वो भी मार्बल ही होते हैं, ठीक है। उनकी अलग टेक्निकल नाम है, हालांकि फिरोजी कुछ हरा होता है, पीले होते हैं, लाल होते हैं, तो मार्बल वैरायटी में पाई जाती है, ठीक है। वैरायटी ऑफ कलर्स, कुछ फेमस मार्बल्स को मैं बताता हूँ, जिसमें पहले तो आपका इटालियन मार्बल। इटली में काफी माइकलएंजेलो जैसे, बर्नी जैसे स्कल्प्टर रहे, इन्होंने मार्बल में बहुत अच्छा, इटली का जो मार्बल है वर्ल्ड फेमस है, बहुत ही फाइन और स्पॉटलेस मार्बल वहां पाया जाता है। तो पुराने जमाने से, ग्रीक के जमाने से, ग्रीक रेनेसा टाइम से मार्बल के जो जितने भी स्टैचूज हैं वो इटली का मार्बल में यूज किया गया, ठीक है। इटालियन मार्बल आज भी भारत में बहुत फेमस है। हाँ, तो इटालियन मार्बल इटली। दूसरा आपका मकराना मार्बल, ये राजस्थान पाया, मकराना सुना है आपने, भारत में मकराना, जयपुर के पास जो माइन से मकराना मार्बल बहुत फेमस है, स्पॉटलेस मार्बल होता है और अधिकतर बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्बल किसी स्कल्पचर को बताने के लिए यूज किया था, तो ये इसी से यूज होता है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है ना कि मार्बल में और वेरिएंट आते हैं, उसमें काले धब्बे होते हैं। हाँ, आजकल फ्लोरिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, सो मकराना मार्बल, और मार्बल बहुत स्मूथली कटता भी है, बहुत फाइन सरफेस देता है, और मार्बल हल्का ट्रांसपेरेंट भी होता है हल्का सा, ठीक है। सो मार्बल बहुत ही अच्छा और वाइडली इस्तेमाल होने वाला स्कल्पचर है। अगर हम भारत में स्कल्पचर की बात करें तो आपका जैसे जो आपका माउंट अबू के जो टेम्पल्स हैं, दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं, ये मार्बल में किए गए हैं। तीसरा आपका आता है अल्बस्टर, ये सॉरी एक दो तीन चौथा,
अल्बस्टर एक्चुअली ये इसका हेनरी मूल ने इस्तेमाल किया है। हेनरी मूल का काम देखो तो अल्बस्टर में किया, अल्बस्टर का धारातम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि जिस लोकलिटी में जो पत्थर मिलता है उसे कई लोग ज्यादा यूज करते हैं। जिस लोकलिटी में जो पत्थर पैदा होता है तो वहां सस्ता होता है, तो पत्थर जैसी चीज बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है फाइन, तो आपका ये बेसिक स्टोन का एक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम टूल्स की बात करें तो स्टोन्स के टाइप टूल्स, स्टोन में एक्चुअली दो प्रकार के मेन टूल्स है। एक तो मैलेट, एक तो हथौड़ा होता है, दूसरा तो चीजल होते हैं। ठीक है, तो चीजल हमारी कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो ट्रेडिशनली जो चीजल इस्तेमाल होती है वो हमारी पक्का लोहा जो होता है उसको लोहार गर्म करके और रेड हॉट करने के बाद पानी में तुरंत डुबोता है उसको, तो उससे क्या है ना उस पर टेम्पर आ जाता है, तो चीजल चीजल क्या है ना टूट तो जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। ठीक है, ये क्वालिटी होती है चीजल की। ठीक है ना, जो चीजल मुड़ जाएगी तो उसमें कार्विंग करना, उससे कार्विंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ। तो इसमें जो मुख्य प्रकार चीजल के होते हैं आपका पॉइंटेड चीजल, पॉइंटेड, दूसरा होता है फ्लैट, तीसरा होता है आपका गॉच, इक्वल होती है ना। ठीक है, तो पॉइंटेड चीज गॉच, GOUCH गॉच, तो लिख देता हूं पॉइंटेड फ्लैट GOUCH। ठीक है, ये आपका बेसिकली वो चीजल्स है टूल्स में। चीजल्स दूसरा वो हमारा होता है हैमर। ठीक है, हैमर इसमें पत्थर काटने के कार्विंग के लिए हैमर अलग प्रकार का होता है। हैमर का जो सही जो टाइप होता है वो ऐसा होता है, देखो देखो एक साइड ये नुकीला होता है, एक साइड ये फ्लैट होता है, इसलिए होता ताकि हम कैसे भी इसको मारें तो वो चीजल के ऊपर ही पड़े, स्लिप ना हो। ठीक है, ताकि हाथ पैर ना, और ये बेसिकली ये पार्ट क्या होता है कि मोटा मोटा पत्थर को तोड़ने के लिए काम है। जैसे पत्थर में कोई नोक वगैरह है तो उसको हम इसी से ही जा सकते। ठीक है, इसे इसको हैमर, HAMOU, ठीक है, हैमर, एनी प्रॉब्लम। सो ये तीन प्रकार की चीजें होती है, पॉइंटेड फ्लैट एंड गॉच। ओके, ये बेसिकली जो चीजें हमारी कार्विंग के पत्थर काटने काम आती है। ठीक है, पत्थर को हम काटते हैं। ठीक है, और ये हमारी काटने के बाद में उसके सरफेस को थोड़ा तो फ्लैट करने काम आती है, और गॉच क्या है ना ये जैसे हमें उसमें टेक्सचर देने से काम आती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है। हाँ, नेक्स्ट में हम
कार्विंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके।